विश्व ग्लूकोमा सप्ताह 10 मार्च से 16 मार्च 2024 तक विश्व भर में मनाया जा रहा है। विश्व ग्लूकोमा सप्ताह के अवसर पर ऑर्थोडेंट मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक के डायरेक्टर वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर आफताब आलम ने साइलेंट साइट स्नैचर ग्लूकोमा के बारे में कहा कि यूनाइटिंग फॉर ए ग्लूकोमा फ्री वर्ल्ड के तहत ग्लूकोमा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य आमजन को ग्लूकोमा काला पानी काला मोतिया कॉन्च बिंद के खतरों से अवगत कराना है, जिससे शीघ्र निदान जांच एवं नियमित उपचार से ग्लूकोमा द्वारा होने वाली अंधता को रोका जा सके। ग्लूकोमा से आंखों के लिए उत्पन्न होने वाले खतरे और उससे बचाव के बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर आफताब आलम ने बताया। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर आफताब आलम हूँ। मैं आई स्पेशलिस्ट या आई सर्जन हूँ। मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बरेली में मेरी प्रैक्टिस है। भर में ग्लूकोमा वीक मनाया जा रहा है। जी जी, हमारे देश में भी, इंग्लैंड, अमेरिका, तमाम कंट्रीज में। और ये ग्लूकोमा है क्या चीज़? 10 तारीख से यानी 10 मार्च से 17 मार्च तक के ग्लूकोमा वीक मनाया जाता है। ग्लूकोमा डे के लिए 12 तारीख रखी गई है। और ये इस बीमारी को अवेयर लोगों को या बताने या जागरूक करने के लिए है, जो ऐसी बीमारी जिसका मरीज को अंदाज़ा भी नहीं होता है और वो धीरे धीरे रोशनी को खाती रहती है। और मैं आगे चल के ये बताऊँगा किस तरह की बीमारी है जो खा रही हो मरीज़ को पता नहीं चलता है। तो ये बीमारी सिर्फ डॉक्टर ही इनिशियल स्टेज में पकड़ सकते हैं। एडवांस स्टेज में मरीज़ को जो दिक्कत हो जाती है वो परमानेंट होती है, यानी इसमें जो बदलाव हुए वो पूर्ण है, यानी इरिवर्सिबल है, वो वापस नहीं आ सकते। दवाओं से इन्हें रोका तो जा सकता है, लेकिन इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ग्लूकोमा कितने प्रकार का है? चलिए मैं इस बारे में पहले बता दूं कि ग्लूकोमा यानी समलवाई या काला पानी जो कहते हैं वो है क्या, पहले इस चीज़ को समझें। ग्लूकोमा या समलवाई एक आँख की बीमारी है, खासकर आँख के नस की, जिसमें मरीज़ की जो फील्ड होती है यानी सामने की नज़र के अलावा जो हम आसपास देखते रहते हैं उस फील्ड में थोड़ी थोड़ी कमी आना शुरू हो जाती है। अलग अलग एरिया होता ये है कि वो कमी हम परसीव यानी हम अनुभव नहीं कर पाते हैं वक्त पे, और वो धीरे धीरे वो एरियाज़ हैं, मतलब वो फील्ड में हमारे जो दिख रहा है वो एरिया ख़त्म होता जाता है। और क्योंकि हम लगातार दोनों आँखों से, तो एक दूसरे आँख एक दूसरे को कंपनसेट यानी एक दूसरे को पूर्ण कर लेती हैं, तो वो कमियाँ जो है वो छुपी रहती हैं। और वो फील्ड में तब जाके मरीज़ को पता चलता है जब वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उसे दोनों आँखें भी कवर नहीं कर पाती हैं। और ऐसा होने पे उसे साइड से भी कई बार नहीं दिखता है, सिर्फ उसे बीच का थोड़ा बहुत दिखता है। तो ऐसे मरीजों को दिक्कत ये आती है कि चलते हैं तो कोई सामने से आ रहा है, गाड़ी से जा रहे हैं तो कोई साइड से आके लगा के चला गया, या आपको पता ही नहीं है साइड गाड़ी मोड़नी थी या नहीं मोड़नी थी, हाँ थी गाड़ी, क्योंकि आपको दिखता ही नहीं। तो ये ऐसी बीमारी, इसलिए आँखों का चोर कहा जाता है, रोशनी का चोर बेसिकली, कि रोशनी इस तरह से चोरी होती है कि मरीज़ को पता भी नहीं चलता है, और जब उसे पता चलता है तब तक बहुत एडवांस बीमारी हो गई होती है। और ये बहुत तरीके की हो सकती हैं। डॉक्टर्स में इसे 2 तरीके में बांट दिया जाता है कि ओपन एंगल है, एंगल क्लोजर है। इसके अलावा कुछ बचपन से भी हो सकती हैं, कुछ चोट से भी बन सकती हैं, कुछ आँख की सूजन है, यानी कहने के लिए बहुत सारी वजह हो सकती हैं जो इस बीमारी के लिए आगे बढ़ती हैं। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या? लक्षण ऐसे कहें तो कोई ख़ास लक्षण नहीं है, इसलिए तो इसे रोशनी का चोर कहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो कही जाती हैं जिससे इंसान को थोड़ा सा शक पैदा करती हैं। एक तो आपका नंबर बार बार बदल रहा है, थोड़ी चौंध या चमक आपको ज़्यादा लग रही है, ठीक, आपको कभी कभी दिखने में कुछ अजीब सा लग रहा है कि यार कुछ यहाँ पे था और हमें पता नहीं चला कुछ रखा हुआ, इन सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी 40 से ऊपर जो भी लोग हैं वो एक बार अपनी आई स्क्रीन ज़रूर करवा लिया करें इस बीमारी के लिए। और हम कोशिश ये करते हैं कि अपने मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों की हम एक बार अपनी मशीन पे स्क्रीन करें, जो कि डॉक्टर को हर एक मरीज़ का करना चाहिए, ताकि ये बीमारी कभी धोखे से हमसे छूट ना जाए। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में ग्लूकोमा की चपेट में अब तो यूथ भी आने लगे, युवा वर्ग, क्या कारण है? वजह मैंने बताया, कई तरीके की वजह हैं। इसमें एक वजह मैंने जो बताई थी, 2 प्रकार होते हैं, एक ओपन एंगल है, एंगल क्लोजर है यानी एंगल बंद हो जाना। उसकी वजह अक्सर ये होती है कि शाम या रात में जब आप मोबाइल देखते हैं, जिन लोगों को एंगल क्लोजर वाला रिस्क होता है यानी एंगल क्लोजर का जिनमें ख़तरा होता है, वो लोग अगर रात में मोबाइल पर देखते हैं तो वो कम रोशनी जो है वो ख़तरनाक होती है।
उसमें कई बार ये बीमारी आगे बढ़ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। और जो एंगल क्लोजर है उसमें कुछ दिक्कतें हैं मरीज़ को जो पता चल जाती है, जैसे मैंने बताया ओपन एंगल में नहीं पता चलता है, लेकिन एंगल क्लोजर में पता चल जाता है कि आँख में बहुत तेज़ दर्द उठता है, कई बार धुंधलापन आ जाता है, आँख लाल हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं एंगल क्लोजर को बताती है, यानी एक प्रकार के खास तरीके के कालापानी के लक्षण को बताती है। डॉक्टर साहब, नौजवानों को, युवाओं को आप ग्लूकोमा से संबंधित क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्लूकोमा एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है और डॉक्टर को पता चलने में काफ़ी देर भी हो सकती है। जिन लोगों के घर में, परिवार में अगर समलवाई की दिक्कत रही है तो वो लोग अपनी आँखों का नियमित जाँच कराते रहें। 40 से ऊपर जो भी हों वो ज़रूर अपनी जांच कराएं डॉक्टर से। अगर आपके नंबर तेज़ी से बदल रही है, आँख में आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है जो सामान्य ना हो, तो वो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। कई बार होता है कि बाहर से कहीं से चश्मा उठा के ले लिया या किसी और जगह से, तो कोशिश करें कि एक बार डॉक्टर की सलाह होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी उन्हीं की ही मदद से, यानी डॉक्टर की मदद से पकड़ में आ सकती है।